हेलो, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त सोनाली ठाकुर। बॉलीवुड गपशप में आज बात करेंगे आर्या सीजन 3 की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाती हुई नजर आ रही है। सुष्मिता सेन के फैंस इस सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आर्या सीरीज के दोनों सीजन काफी हिट रहे हैं। एक्ट्रेस के फैन काफी टाइम से इस सीरीज के तीसरे इंस्टॉलमेंट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सुष्मिता सेन की अपकमिंग वेब सीरीज आर्या सीजन 3 का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। टीजर में सुष्मिता काफी दमदार रोल में नजर आ रही है। वही टीजर में सिगार जलाती हुई और अपने पिस्तौल लोड करती हुई नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पर टीजर वीडियो शेयर करते हुए सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा, शी इज बैक, और उसका मतलब बिजनेस, हॉट स्टार स्पेशल और आर्या 3 की अब शूटिंग कर रही है। टीजर में सुष्मिता ब्लैक फुल स्लीव की टॉप और बड़े सनग्लासेस लगाए हुए सिगार पीती हुई नजर आ रही है। आर्या सीजन 3 का पहला टीजर वीडियो जारी होते ही फैंस भी अपने एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा के लिए इस साल की शुरुआत काफी धमाकेदार रही। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर बॉलीवुड में बड़ी लाइफलाइन दे दी है। लंबे समय के बाद किंग खान की वापसी फैंस को काफी रास आ रही है, जिसके चलते पठान का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोलता नजर आ रहा है। शाहरुख खान के पठान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है। बीते 25 जनवरी यानी बुधवार को घरों में रिलीज होने के बावजूद पठान को 5 दिन का एक्सटेंड वीकेंड मिला है, जिसका फायदा शाहरुख खान की फिल्म ने भरपूर तरीके से उठाया है। नॉन हॉलिडे पर रिलीज हुई पठान ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है, जिसके चलते पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहरुख खान की पठान ने रिलीज के 5वें दिन 58.50 करोड़ की बम्पर कमाई की है। पठान से पहले कोई भी हिंदी फिल्म वीकेंड पर इतना कलेक्शन नहीं कर पाई है। ऐसे में इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई के आंकड़े की बदौलत शाहरुख खान की फिल्म ने इतिहास रच दिया है। कपिल शर्मा की तो चांदी ही चांदी है, हर ओर वही छाए हुए हैं। शो से लेकर फिल्म तक कपिल शर्मा की धूम है। यूं ही थोड़े वो इतने पॉपुलर हुए हैं। देश के सबसे बड़े कॉमेडियन माने जाने वाले कपिल शर्मा अब सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है, वो अब एक एक्टर के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। खबर है कि वो जल्द ही ड्रीम गर्ल डायरेक्टर राज शांडिल्य की फिल्म में नजर आएंगे, जिसके चलते कहना गलत नहीं होगा कि कपिल के 5 उंगलियां घी में डूबी नजर आ रही है। दरअसल डायरेक्टर राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो कि पहले कभी ना हुआ हो। हम जरूर एक फिल्म साथ में करेंगे। इस फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस करेंगे, हमारी बातचीत अभी जारी है। कपिल शर्मा कॉमेडी के बादशाह तो माने ही जाते हैं, लेकिन अब वो एक्टिंग की दुनिया में भी उभरता सितारा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वराज भास्कर अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। एक्ट्रेस अक्सर कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी शेयर करती रहती है। स्वरा ने इस बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में लिखा, गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वही बॉलीवुड सिंगर म्यूजिशियन डायरेक्टर विशाल ददलानी ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो क्या थे इससे जान लो, उस कायर ने भी पहले पैर छुए फिर गोली चलाई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से महात्मा गांधी की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, सोशल मीडिया पर गॉडसे को लेकर लाखों ट्वीट किए जाते हैं, जहां कुछ लोग गॉडसे की सराहना करते हैं तो कुछ ऐसा करने वालों को जमकर ट्रोल करते हैं। इस साल भी गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर स्वरा समेत कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट कर गॉडसे का समर्थन करने वाला निशाना साधा है। बता दें कि आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। देश के इतिहास में 30 जनवरी की तारीख एक काले दिन के तौर पर दर्ज है।
साल 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। यह दिन पूरे देश के लिए महान क्षति का दिन बन गया, इसलिए महात्मा गांधी की याद में उनकी पुण्यतिथि को भारत शहीद दिवस के तौर पर मनाता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी को दुनिया के कई नेता अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो ऐसी ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।